हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लूमिंग बड। आज है 14th दिसंबर। मतलब 16 दिसंबर से हम लोगों में मल मास शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग अच्छा महीना नहीं मानते हैं, मतलब अच्छे दिन नहीं मानते हैं। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा वो, और ऐसे हम लोग सकरात तक मानते हैं कि वो एक महीने का थोड़ा सही समय नहीं मानते हैं कोई नया चीज़ शुरू करने के लिए। इसीलिए मम्मी ने बोला कि 14th को ही कुछ मीठा बना के चौका में, मतलब जो किचन मेरा बन रहा है, क्योंकि जब मुझको ये पूरा बन के रेडी होगा उस समय मतलब कि मल चलता रहेगा, मल मास चलता रहेगा, तो सकरात तक रुक नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है बाहर बनाने में खाना। तो एक बार थोड़ा सा ऐसे ही कुछ मीठा तो बना के भगवान को भोग लगा देंगे। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे चूरमा बना रही हूँ। जैसे जो जितने भी हम मेरे मिस्त्री हैं उन लोग सब आएंगे 10:30 तक, तो उसके पहले पहले मुझको यहाँ पे बना के हटाना है। तो अभी 8:30 हो चुका है, मेरा पूजा वूजा सब हो चुकी है, मैं सुबह की चाय भी पी चुकी हूँ। तो फिर गैस साफ़ करके मैं यहाँ पर जो ये नया किचन बन रहा है वहाँ पर मैं लेकर आ गई। चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल के उसको चढ़ा दिया है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आटा, मतलब थोड़ा सा आटा लिया है मैंने, ऐसे अंदाज से लिया है, 2 कटोरी करीब है यहाँ पे आटा। और उसमें घी का मोयन दे दिया है थोड़ा सा, मतलब जैसे मठरी उठरी बनाते हैं, सुहाली बनाते हैं, उतना मोयन नहीं देना है, एकदम हल्का मोयन देना है। और हल्का कुनकुना पानी से मैं उसको उसन रही हूँ। एकदम कड़ा कड़ा बनाना, इसका हम लोगों को मुठरी बनाना, एकदम कड़ा आटा लगाना है, मतलब गूंथ के जैसे रोटी का आटा होता है वैसे नहीं लगाना है, थोड़ा कड़ा ही लगेगा। और उसको ऐसे टाइट टाइट, इसको हम लोग मुठरी बोलते हैं, इस टाइप से बनाना है। फिर इसको हम लोग घी या ऑयल में फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम लोगों को लो रखनी है क्योंकि ये थोड़ा अंदर तक सिक जाए, ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो वो अंदर से कच्ची कच्ची रह जाएगी और चूरमा अच्छा नहीं बनेगा। और ऐसे एकदम लो आंच में इसको सेकेंगे धीरे धीरे, तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी एकदम बन के निकलेगा और उसका चूरमा भी बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से मैं सारी मुठरी को तल लूँगी। जब मुठरी सारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब उसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से मैं सारी मुठरियों को तल लूंगी। अब जब पूरी जब तल जाएगी, बीच बीच में क्या होगा, जो पहला निकला हुआ है ना, उस सबको मैं थोड़ा सा ऐसे फोड़ दूंगी मुठरियों को। जैसे अभी थोड़ी गर्म है ना, खोल मतलब ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि इसको हम लोगों को मिक्सी में पीसना है, एकदम गरम गरम पीस नहीं सकते, इसलिए इन सबको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। चूरमा में मिलाने के लिए चीनी को पीसना है, इसलिए मैंने पहले इस जार से थोड़ी चीनी पीस ली है, इसलिए इसमें अंदर में वाइट दिख रहा है आपको। और अब इसी में ही मैंने चीनी बाहर निकाल दिया। अब इसमें मैं जो चूरमा का मुठरी तोड़ के रखी थी वो डाल के मैंने पीस लिया है। अब इस सारे चूरमा को, जितना भी मैंने चूरमा पीसा है, सबको परात में मैं निकाल लूँगी। कोई भी बड़े बर्तन में एक जगह निकालना है, फिर उसको बराबर में 3 इक्वल, मतलब मैं जैसे बनाती हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ कि मैं इसमें चीनी किस अंदाज से मिलाती हूँ, तो उसमें 3 हिस्सा करना है। ये ट्रिक मुझको मेरी मम्मी ने सिखाया था कि जो चूरमा था उसमें 3 उसका बराबर बराबर इक्वल हिस्सा कर लेंगे और उसमें 1 हिस्से के बराबर पिसी हुई चीनी मिला लेंगे, तो उसमें चीनी ना तो कम होती है ना तो ज़्यादा होती है, एकदम अच्छा से उसमें चीनी का एक चीनी की मात्रा, मतलब कि पूरी एकदम ठीक रहती है। तो ये अंदाज है, पहले के लोगों का सच में इस तरह का अंदाज बहुत अच्छा रहता था। छोटी छोटी सी ट्रिक है जिसको अगर हम लोग आजमा लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या होता है ना, नापने का झमेला कि इतना है तो इतना नापना है इस टाइप से, लेकिन ये अंदाज बहुत अच्छा है, ये मुझको मेरी मम्मी ने बताया था, तो ये मेरे आगे भी काम आ रहा है हमेशा। अब मैं भगवान, इसमें मैंने थोड़ा सा घी मिला लिया है
और अब इसके मैं लड्डू बना लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा वैसे हैं तो भगवान के सामने में मैं लड्डू का भोग लगा लूँगी और बाकी का सबका ऐसे खुला रख लूँगी, क्योंकि सब लोग दही से दाल के साथ में बहुत अच्छे से खाते हैं मेरे घर में, सबको पसंद है, और भगवान के लिए लड्डू बना लूँगी। तो पहले मैं यही भोग के लिए लड्डू बना रही हूँ। बगल में थापड़ी कंडा क्या बोलते हैं उपले, बहुत जगह सब अलग अलग बोला जाता है, हम लोगों में उसी में भोग लगता है, मतलब जोत ली जाती है बालाजी की, और आज मंगलवार का दिन भी है तो उसमें भी बालाजी को भी यही चूरमा का ही भोग लग जाएगा, तो वही मैं भगवान को भोग लगाने जा रही हूँ। नाउ टुडे 17 दिसंबर, मेरा जितना भी आगे का काम हो चुका है वो मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी सिंक लग चुकी है और यहाँ एक्वागार्ड के लिए ये अलमारी बनी है, यहाँ एक्वागार्ड लगेगा, और यहाँ पे मेरी जो हाउस हेल्प है उसके लिए सिंक, मतलब वो भी करेगी मैं भी करूँगी समय समय पे, और यहाँ पे वो सिंक है जिसमें मतलब जूठे बर्तन मजेंगे, और ऐसे मेरी पूरी अलमीरा लग के रेडी हो चुकी है। अब इसके सबके दरवाजे लगने, और यहाँ पे मेरी बर्तन की रैक आएगी खिड़की के बगल वाली अलमारी में। इस तरह से मेरा काम आगे बढ़ चुका है, और ये मेरी चाय मैं बना के आई हूँ अपनी, लेके आई थी, देख रही थी, और ये ऐसे है अभी तक का यही अपडेट है, देखते हैं कब तक बन के आता है। मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ अब मैं ये सबको देख देख के। अ क्विक रिमाइंडर दैट कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना ध्यान रखें, एंड टेक केयर, बाय बाय।